हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। द क्वेश्चन इज द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडियली विथ गैसियस ब्रोमीन हैज अ फॉर्मूला C4H10, C2H4, C3H6 एंड C2H2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो अल्केन होता है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है सिमेट्रिकल अल्कीन होता है और सिमेट्रिकल अल्काइन होता है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्काइन। और एक होता है अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होंगे और अनसिमेट्रिकल अल्काइन होंगे। तो अब अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिमेट्रिकल अल्कीन अल्काइन, से ये क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे अब ऑप्शन देखें तो C4H10 सिमेट्रिकल अल्कीन, C2H4 के बारे में बात करें तो C2H4 जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन है, C3H6 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, C2H2 वापस से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अल्काइन है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके साथ, गैसियस ब्रोमीन के साथ। तो आंसर जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।